हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए एक बार बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आगे देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ रहे थे। तो टेंस का जो है एक वीडियो हो गया है। ये टेंस का जो है पार्ट सेकंड, पार्ट दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आपको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। ठीक है, तो वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्तमान काल चार प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। आपका पहला हो गया प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक, वर्तमान अनिश्चित। ठीक, और आपका दूसरा हो गया, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तमान, वर्तमान लगातार काल। ठीक, अब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट काल हो गया। तो देखिए, इसको हम इंडेफिनिट के मतलब, देखिए प्रेजेंट का मतलब जानते हैं कि वर्तमान होता है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट का मतलब क्या होता है। डिफरेंट का मतलब होता है निश्चित, और इन लग गया तो इंडेफिनिट हो गया, तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, तो वर्तमान अनिश्चित टेंस का मतलब होता है काल। तो वर्तमान अनिश्चित काल हो गया है आपका ये। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है, टेंस का मतलब होता है काल। ये हो गया आपका वर्तमान लगातार काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं? वर्तमान पूर्ण काल। ठीक, वर्तमान पूर्ण काल। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, टेंस का मतलब होता है काल। तो वर्तमान पूर्ण काल, ठीक है, कहते भी हैं आप एकदम परफेक्ट है, पूर्ण है, तो ये हो गया आपका वर्तमान पूर्ण काल। ये